तो इसका मतलब ही ये है कि हर चीज जो है वो आपके दिमाग से शुरू होती है। अगर आपकी सोच ये है कि हम कुछ भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, तो चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप इंशाल्लाह वो कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को आज दोनों चाइल्ड डे से बच्चों के बारे में कहूंगी कि हर बच्चे को अपने अंदर भी ये कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। हमारे माँ बाप को हमारे बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए, हमारे टीचर्स को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप बेहतर नहीं, आप इक्वल हैं, खुदा ने आपको इक्वल बनाया है। मैं यही कहती हूँ वो बेटर है, ये वर्स है, ये कोई लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है दो जेंडर के बीच में। जब तक मर्द और औरत इस पूरी सोसाइटी में यकजहती से काम नहीं करेंगे, तब तक इस सोसाइटी में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। उसको एक डिसिप्लिन तरीके में रखें, फिर कोई चीज को नहीं रोक सकती है। तो आज के दिन की जो तकरीब है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस की गई, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से हो, चाहे कितनी भी सारी सर्विसेज है, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दिन है जो हमें देखने को यहाँ देख रहे हैं कि अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और आपने जो आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, 24th of January, ये हमने यहाँ सेलिब्रेट किया बारामूला में। और जितनी भी हमारी गर्ल अचीवर्स रही हैं, चाहे वो नीट की हों, KS की हों, या डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हुई हों, उन सबको हमने फेलिसिटेट किया। और हमने मैसेज भी ये दिया कि लड़कियाँ जो हैं वो हर फील्ड में अपना जो है लोहा मनवा चुकी हैं, किसी भी तरीके से वो किसी से कम नहीं हैं। अगर ज़रूरत है तो उनको इनक्रेज करने की है। और हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने सोशल वेलफेयर के यहाँ पर इवॉल्व किए हैं, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर हो, वुमेन हब फॉर एम्पावरमेंट हो, इन सारी जगहों से हम कोशिश यही करते हैं कि कहीं पे भी अगर उनको हमारी ज़रूरत होगी सपोर्ट की, तो वो हम ज़रूर देंगे। और आज के दिन में मैं सारी जो लड़कियाँ हमें देख रही हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरत अगर है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, बाकी जो उनमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें कोई कमी नहीं। थैंक यू।